हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो टॉपिक है काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उसके बावजूद भी काफ़ी कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। और सर, एडमिशन कब शुरू होंगे, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है? और अब तो दशहरा भी चला गया सर, अभी तक एडमिशन फॉर्म अभी तक देखने को नहीं मिले। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल ईआर एग्ज़ाम के फॉर्म कब तक आएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट कर ली है। जैसे ही आपके एडमिशन के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, उसके साथ ही ईआर एग्ज़ाम के फॉर्म भी जारी कर दिए जाएंगे। ये चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आपका सिक्स सेमेस्टर में ईआर है, फिफ्थ सेमेस्टर में ईआर है, फर्स्ट सेमेस्टर में ईआर है, तो भी आपके सेम ही डेट पर आएंगे दोनों के, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ईआर और एडमिशन फॉर्म को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी जाएगी, फ़ीस क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, मैं सिंपल सी बात है, आपको उतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी थर्ड सेमेस्टर में जितनी आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में करी थी। अगर आपने 7,000 रुपये करी थी तो 7,000 रुपये ही आपकी थर्ड सेमेस्टर में जाएगी। सेम कंडीशन फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ है, जितनी फ़ीस आपने लास्ट प्रीवियस ईयर के एडमिशन में करी थी एसएल के अंदर, उतनी फ़ीस आपको अभी पे करनी पड़ेगी। अब जो आपका ईआर फॉर्म है, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में ईआर आ रखी है तो उसकी जो फीस है आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। उसकी फीस आपकी 400 या 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें है नहीं। इसमें सिर्फ आपका डैशबोर्ड का ही काम है, डैशबोर्ड पर आपके लिंक आ जाएगा और बारकोड और एसओएल रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। जिनके पास बारकोड नहीं हो, कंट्रोल नंबर से भी आपका जो कंट्रोल नंबर है उनसे भी लॉगिन कर पाओगे। जैसे बच्चे जो 2000 जिन्होंने 23 में एडमिशन लिया, ठीक है, वो कंट्रोल नंबर से भी अपना लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनके पास है वो उनका बार जो डैशबोर्ड है लॉगिन हो पाएगा, ठीक है। अब सबसे बढ़िया, ये जो एडमिशन होंगे पूछते कैसे ऑनलाइन होंगे, आपके डैशबोर्ड पे आएगा लिंक। अब लेटेस्ट अपडेट कहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट यही है कि एसएल काफ़ी बच्चे जा रहे हैं और उनको यही बोला गया है कि जो एडमिशन फॉर्म है वो कभी भी आ सकता है, आपके डैशबोर्ड पे कभी भी लिंक एक्टिवेट हो सकता है। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रही है, सर कब आएगा, कोई एग्जिट डेट बता दें। कि डेट तो कोई नहीं दी गई। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप वो हमेशा कहीं ना कहीं यही चीज़ बोला जाता है कि इस वीक आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, तो मैं आपको कोई वीक नहीं बताने आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आप अपनी तैयारी कीजिए बस एग्ज़ाम की, क्योंकि अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, देखिए ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, नो एडमिशन नो एग्ज़ाम, बस सिंपल सी बात है। ये हेडिंग उनकी आपकी नहीं है, आपको अपनी स्टडी करनी है। डेट शीट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, फाइनल भी आ जाएगी जल्दी। आप डेट शीट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, क्लासेस लीजिए, क्लासेस भी चल रही है और स्टडी मटेरियल के जो अपॉइंटमेंट भी वो भी मिल रहा है, ठीक है। जिनको नहीं मिल रहा है वो वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। बट एडमिशन को लेकर, एडमिशन के बाद आप क्या ही कर लोगे, जाहिर सी बात है एडमिशन होगा, पेमेंट करोगे, बस डैशबोर्ड पर वो सब्जेक्ट अपडेट हो जाएंगे। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसमें आपकी दिक्कत नहीं है, ये एसओएल की डिपार्टमेंट की गलती है कि वो इतना डिले क्यों कर रहा है। डिले के पीछे कई रीज़न और बताए गए, सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया है कि रिजल्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों की यूएफएम आई हुई है, एब्सेंट आई हुई है, और अभी भी काफ़ी रिजल्ट ऐसे जो पेंडिंग है। जी हाँ, ये बात सच है, अभी काफ़ी बच्चों का रिजल्ट शो ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे जिनका रिवर्सन का रिजल्ट अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से भी डिले हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आज एडमिशन शुरू हो जाए तो कल क्लोज हो जाएंगे, एडमिशन के लिए आपको प्रॉपर महीना दिया जाएगा। अभी नवंबर का ही पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही आपके एडमिशन चलेंगे, 24 घंटे में बन जाएंगे, नहीं। एडमिशन फॉर्म किसी भी टाइम आ सकता है, इस हफ्ते के लिए बोला गया था और अभी हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आज सोमवार है। फ्राइडे तक वेट कर लो, क्योंकि इसी हफ्ते के लिए हमें भी बोला गया है लेटेस्ट अपडेट में कि इस हफ्ते तक हमें फॉर्म देखने को मिलेंगे। आप सबसे बड़ा सवाल, सर इस हफ्ते नहीं आया तो क्या करते, कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एसओएल जाओगे, एसओएल की तरफ से भी यही बोला जा रहा है, नेक्स्ट वीक तक वेट करो, डैशबोर्ड चेक करते रहो, बस यही बोला है, सोल वेबसाइट देखते रहो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, हम भी वही कर रहे हैं, आप भी कीजिए। जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, इतना मैं आया था बोलने के लिए। बार बार बच्चों के काफ़ी कमेंट आए थे, ईआर एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, एडमिशन कब शुरू होंगे। जब शुरू होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा तो है नहीं हम आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। पूरा एक एडमिशन का वीडियो बनाएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। एडमिशन कभी भी शुरू हो सकते हैं, कोई निश्चित डेट नहीं है, जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और देखिए, अभी सिचुएशन ये है कि अगर आप सोल भी जाओगे ना, सोल में भी आपको डेट दी गई, लास्ट डेट सोल में दी गई 15 अक्टूबर। आप देखिए 15 अक्टूबर तो निकल चुका, नहीं आए फॉर्म। अब डेट क्या दी गई, इस हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे। अब इस हफ्ता भी निकल जाएगा, फिर बोलेंगे अगले हफ्ते। तो यही चीज़ है,
अब मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो हमें अपडेट मिलता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये अपडेट है जो बच्चे जाते हैं उनके द्वारा हमें मिल जाती है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बाकी ऑफिशियल अपडेट तो देखिए, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, आप SOL जाओगे, SOL में तो सारे ही ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ बैठे हुए जो जॉब कर रहे हैं, अब उनके द्वारा जो चीज़ बोली जा रही है वो हम आपको शेयर कर देते हैं, जाहिर सी बात है। अब इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं, अगर हमारे हाथ में एडमिशन होता तो हम तो कह रहे कि आज ही हम चालू कर देते, क्या दिक्कत है इसमें। बट यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ आप दिमाग में बना बैठा लीजिए, अगर एडमिशन नहीं होंगे तो फॉर्म आप एग्ज़ाम भी आपके नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आपको पूरा टाइम दे रहा है SOL, क्यों दे रहा है आपको, देखिए क्लासेस भी शुरू है।